हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिकिश ट्यूटोरियल्स। और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 3 इस चैप्टर के ऊपर। उम्मीद करते हैं इसके पहले जो दो पार्ट था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, वो आपने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हमें पढ़ना है कंजम्पशन फंक्शन। तो एक बार ब्रीफ समरी देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या होता है, उसके बाद देखेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। दो टाइप का प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम है, एवरेज प्रोपेंसिटी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी, वो ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चलिए तो सबसे पहले मीनिंग से हमें शुरू करना है। व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। काफ़ी सिंपल सा डेफिनेशन है। इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। इट टेल्स अस डैट, ये हमें बताता है कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। बस इसका इतना ही काम है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में अगर आता है व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन या फिर डिफाइंड कंजम्पशन फंक्शन, जो कि बहुत कम चांस है आने का, आया भी तो आपको सिर्फ इतना लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ करने का चाह, विलिंगनेस, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो टाइप का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में APC बोलते हैं, और दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में MPC बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं APC क्या होता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, APC इज डिफाइंड एज द रेशियो बिट ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, ठीक है। तो कंजम्पशन और इनकम का अगर आप रेशियो निकाल देते हैं, मतलब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो जो आपको क्वेश्चन मिलता है वो कहलाएगा APC। और ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि द प्रोपोर्शन, मतलब द अमाउंट ऑफ इनकम डिवोटेड फॉर कंजम्पशन। आप इनकम में से कितना पार्ट कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो पार्ट आपका इंडिकेट करता है APC। मतलब APC का फॉर्मूला हो जाएगा C/Y, ठीक है। तो ये दो चीज़ का रेशियो है यहाँ पर, वेयर सी रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वाई रिप्रेजेंट नेशनल इनकम, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सा APC का फॉर्मूला है। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है इफ़ सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300 करोड़ दिया हुआ है, इनकम 600 करोड़ दिया हुआ है, बोला गया है फाइंड APC। तो हमें पता है APC इक्वल टू क्या होता है, C/Y, वैल्यू पुट कर दिए C का और Y का, और थोड़ा कैंसिल किए और डिवाइड करके वो 0.5 आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि, फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डज इट इम्प्लाई। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इम्प्लाइज ऑन एन एवरेज 50%। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है कि हम लोग 50% जो है अपना इनकम का वो स्पेंड करते हैं क्या चीज़ पे, कंजम्पशन पे। तो काफ़ी ईजी था। अब हमें ऐसे न्यूमेरिकल्स निकाल देना है और एक लाइन लिख देना है इम्प्लीकेशन के बारे में। तो ये है टोटल कहानी APC का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट में, जो कि है MPC। APC का हमने डेफिनेशन देखा और उसका कुछ फॉर्मूला देखा, ठीक है। तो रिलेशनशिप जो है वो हम लोग बाद में कवर करेंगे, पहले हम लोग डेफिनेशन सिर्फ समझ लेते हैं। तो MPC क्या होता है? MPC इज द रेशियो, ये भी एक रेशियो है, ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। वो तो सिर्फ APC जो था आपका, वो था सिर्फ कंजम्पशन और इनकम का रेशियो, और ये जो MPC है वो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रेशियो है बिटवीन टू टाइम पीरियड्स, ठीक है, दो समय के बीच में। मतलब MPC का फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो MPC इक्वल टू होएगा ∂C/ ∂y, जहाँ पे ये जो डेल है, ट्रायंगल का साइन जो है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल का साइन को चेंज बोल के बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन इसको बोलेंगे बाई चेंज इन इनकम। डेल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ करेंट पीरियड, मतलब नया वाला वैल्यू या फिर बाद वाला वैल्यू, माइनस पहले वाला वैल्यू, वैल्यू ऑफ लास्ट पीरियड, ठीक है। अब MPC रिलेटेड कुछ बातें हैं। MPC जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होता है। अब ये पॉजिटिव कैसे होता है? अब देखिए, इनकम अगर बढ़ गया तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, मतलब दोनों जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, इसलिए MPC का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और जो फेमस केन्स थे, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था केन्स, उन्होंने कहा था कि MPC का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है। अब आप सोचेंगे कि MPC का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 कैसे होगा, तो इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलिए फिर दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है वो है कि एमपीसी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये हमने देख लिया। और तीसरा बात, एमपीसी इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। ये एक मास के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो हम लोग कंजम्पशन ग्राफ अभी देखेंगे उसका जो स्लोप होता है वो एमपीसी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? आप इसको याद करके रख देते हैं, अब आगे देखते हैं। नहीं तो जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो समझ गए होंगे कि स्लोप का मतलब क्या होता है, मतलब किस रेट से एमपीसी कंजम्पशन का जो लाइन है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, किस रेट से अपवर्ड स्लोपिंग है वो बताता है एमपीसी। अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता तो इसको थोड़ी देर के लिए याद करके रख सकते हैं। चलिए तो अभी हमने जो क्वेश्चन एक डिस्कस किया था कि एमपीसी का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, लेस देन वन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि वाई एमपीसी इज लेस देन वन, ठीक है? तो चलिए, तो एक केन्स थे, एक इकोनॉमिस्ट, बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने हैज प्रोवाइडेड द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उन्होंने एक लॉ बताया है। ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंड इनकम एज इनकम इंक्रीजेज, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ओवर टाइम कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, कंजम्पशन भी बढ़ता है, ठीक है? दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। और इसका मतलब इसी से तो हम लोग का जो एमपीसी आता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है ना, इसी रीजन से। लेकिन बट एट अ स्लोअर रेट एज कम्पेयर टू डेट ऑफ इनकम, इनकम जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है उस रेट से कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होता है। मतलब मान लीजिए आपका इनकम 100 रुपये बढ़ गया, तो ऐसा नहीं है कि आप कंजम्पशन भी 100 रुपये बढ़ा दीजिएगा। आप हो सकता है कंजम्पशन 60 रुपये बढ़ाइएगा और बाकी 40 रुपये आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब इंक्रीज इन इनकम जो है, मतलब जो 100 रुपया जो इंक्रीज हुआ था वो आप डिवाइड कर देते हैं बिटवीन इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन भी उससे आप बढ़ाते हैं, और इंक्रीज इन सेविंग, आप उससे सेविंग भी बढ़ा लेते हैं। मतलब डेल वाई, मतलब इंक्रीज इन इनकम इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन प्लस इंक्रीज इन सेविंग। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसी वजह से जो ये एमपीसी का जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन वन होता है, ठीक है? अगर हम इसका फॉर्मूला, तो अगर हम एमपीसी का फॉर्मूला देखें यहाँ पर, तो एमपीसी इक्वल टू होता है डेल सी बाई डेल वाई। और हमें पता है कि जितना इनकम चेंज होता है उससे कम होता है कंजम्पशन चेंज, मतलब न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जब भी छोटा को बड़े से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज वैल्यू लेस देन वन आएगा, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, हमने देख लिया एमपीसी का जो वैल्यू होता है वो ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 होता है, एमपीसी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और एमपीसी रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। और एमपीसी क्यों लेस देन वन होता है वो भी हमने देख लिया, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एज स्टेटेड बाय केन्स, ठीक है? चलिए तो एक न्यूमेरिकल्स करते हैं एमपीसी के ऊपर में। तो न्यूमेरिकल है कि इफ़ कंजम्पशन इन पीरियड वन इज 200 एंड इनकम 300, कोई भी साल में कंजम्पशन था 200, इनकम था 300, फॉर द एंड द सेम फॉर पीरियड टू, कोई दूसरे साल में जो कंजम्पशन था वो 250 हो गया बढ़ के और इनकम था वो 400 बढ़ गया रेस्पेक्टिवली, फाइंड एमपीसी, एमपीसी हमें निकालना है। तो हमें पता है एमपीसी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन बाई चेंज अपॉन इनकम, चेंज इन इनकम। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू हमेशा हमेशा नए वाले में से पुराने वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो 250 माइनस 200, और नीचे वैसे इनकम को भी सब्ट्रैक्ट कर दिए, 400 माइनस 300, सॉल्व कर दिया, आ गया 0.5, ठीक है? इतना ठीक है। चलिए और ये वैल्यू देखिए, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, बिटवीन 0 एंड 1 इसका वैल्यू है, मतलब हमारा आंसर जो आया है वो सही है। चलिए अब आते हैं अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है कंजम्पशन फंक्शन का वो होता है सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे ये आप सोच रहे होंगे कि C क्या होता है, तो C का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और Y का मतलब आपको पता है इनकम है, नेशनल इनकम। और ये A और B जो है ये नया टर्म है, ये क्या है? तो देखिए, अगर हम इस एक्सप्रेशन में अगर Y के जगह पे हम 0 पुट कर दें तो B इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ C इक्वल टू A बचेगा। मतलब A क्या हो गया, A वो कंजम्पशन है जब इनकम क्या होता है, 0 होता है, इतना समझे? तो इस टाइप के कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये कंजम्पशन हम लोग तब भी करते हैं जब हम लोग का इनकम 0 होता है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नीडेड फॉर मेंटेनिंग अ सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग, ठीक है? कम से कम हमें रोज का जीवन जीने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, भले ही हम इनकम कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो। तो उस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम होता है, इनकम हो ना हो ये हमें करना ही होता है, ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे जो B था वो B क्या होता है फिर, ठीक है? ये B, तो B का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPC का फॉर्मूला होगा डेल सी अपॉन डेल वाई, और यही चीज़ तो होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन, ठीक है ना?
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपने मैथ में एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे अपना आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो m था वही तो स्लोप होता है और ये जो c था वो कांस्टेंट होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप इसको कंपेयर करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो c है वो y का काम कर रहा है, इक्वल टू एम एक्स, एम जो है वो स्लोप है और उसका कंपेयर कर रहे हैं बी से, तो बी हो गया स्लोप हमारा एम पी सी, ठीक है। और ये जो एक्स जो वेरिएबल है वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए जो था वो कांस्टेंट यहाँ पे जो होता है एम एक्स प्लस सी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप मैथ पढ़े तो आपको ये समझ में आया होगा, नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं इसको। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हमने देख लिया अल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, जहाँ पे ए है ऑटोनोमस कंजम्पशन और बी वाई, तो बी वाई, बी का मतलब एम पी सी, वाई का मतलब इनकम, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है, अब आते हैं हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। तो ग्राफ कैसे बनाया जाता है ये हमने आपको पहले बहुत अच्छे से बताया हुआ है। हम लोग हमेशा जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हम लोग हमेशा इनकम लेके चलते हैं वाई, और जो वाई एक्सिस है जिसका ग्राफ बनाना होता है उसको ले लेते हैं। या फिर हमें कंजम्पशन का ग्राफ चाहिए तो हम लोग वाई एक्सिस में कंजम्पशन ले लिए, ठीक है। और ये लाइन से आप अच्छे से परिचित है, ये जो 45 डिग्री लाइन है ये तो हमारा इनकम का लाइन है, मतलब एग्रीगेट सेविंग का लाइन है ये AS, जिसको हम लोग इनकम से आइडेंटिकल मानते हैं। ये y का लाइन हो गया 45 डिग्री लाइन इनकम का। अब देखिए कंजम्पशन का हमें ग्राफ बनाना है, तो जब इनकम जीरो था यहाँ पे तब भी तो हम लोग कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं जिसको a बोलते हैं, तो हम लोग हमारा कंजम्पशन जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इनकम का जो लाइन है वो ज़्यादा खड़ा है कंपेयर टू कंजम्पशन का लाइन, कंजम्पशन का लाइन जो है थोड़ा नीचे लेटा हुआ है। आपको पता है कि ये क्यों लेटा हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एम पी सी। तो ये हो गया ऐसा ग्राफ। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो ऐसा पॉइंट कट कर रहे हैं मतलब इस पॉइंट पे जो इनकम है और कंजम्पशन है दोनों सेम है, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जब इनकम इक्वल टू कंजम्पशन हो जाता है, या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पर इनकम कर्व इंटरसेक्ट द कंजम्पशन लाइन, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, उम्मीद करते हैं आपको ब्रेक इवन पॉइंट समझ में आ गया होगा। ब्रेक इवन इज अ पॉइंट व्हेन इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कंजम्पशन का ग्राफ, और कुछ इससे रिलेटेड दो तीन बातें हैं यहाँ पर, ये हमें देखना होगा। तो जब इनकम जीरो होता है तो हमारा जो कंजम्पशन होता है वो ए के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर इनकम इंक्रीज होता है तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, और इसीलिए एम पी सी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। और तीसरा पॉइंट, इंक्रीज इन कंजम्पशन जो है वो लेस देन होता है इंक्रीज इन इनकम, जो कि बोलता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय केन्स। तो चेंज इन वाई ऑलवेज ग्रेटर देन होता है चेंज इन कंजम्पशन का, ठीक है, या फिर चेंज इन कंजम्पशन लेस देन होता है चेंज इन इनकम का, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके ऊपर। चलिए ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि इन एन इकोनॉमी द पॉपुलेशन स्पेंड दिस मच ऑन एब्सोल्यूट नेसेसिटीज नीडेड टू सस्टेन देमसेल्फ, मतलब इतना रुपया जो उसको खर्च करना ही पड़ेगा। मतलब ये चीज़ क्या हो गया, ए हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, द करेंट इनकम इज इतना करोड़ एंड एम पी सी इज दिस मच। तो ये हमको वाई का वैल्यू मिल गया है, एम पी सी मिल गया है, एम पी सी मतलब बी मिल गया है हमें, वॉट इज़ द लेवल ऑफ कंजम्पशन सी निकालना है। तो हमें पता है सी का फॉर्मूला ये होता है सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई, तो ए का जगह पे हमने लिख दिया 500 क्योंकि ए 500 है, बी के जगह पे हमने लिख दिया 0.5 और वाई के जगह पे हमने लिख दिया 2500, और इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया 1750 करोड़, ठीक है। तो सो कंजम्पशन इज 1750 करोड़। तो ऐसा ऐसा इजी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, तो आप इसको खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर तो आज का वीडियो इतना ही है। फिर आज के वीडियो में हमने कंजम्पशन फंक्शन को बहुत ही डिटेल में कवर किया है, एक बार रिकैप कर लेते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, उसका डेफिनेशन देखा, फिर हमने देखा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दो टाइप्स का होता है एपीसी एमपीसी, एपीसी इक्वल टू सी वाई वाई, एमपीसी इक्वल टू डेल सी वाई डेल वाई, ठीक है। फिर एमसी का कुछ एमपीसी का कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा, बिटवीन 0 एंड 1 होता है इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, एमपीसी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एमपीसी का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है,
क्यों? बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, चेंज इन इनकम ऑलवेज ग्रेटर देन होता है चेंज इन कंजम्पशन का। फिर हमने एक न्यूमेरिकल देखा, फिर हमने देखा अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई होता है कंजम्पशन फंक्शन का, जहाँ पे ए है ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब व्हेन इनकम इक्वल टू जीरो सी इक्वल टू ए, बी है एमपीसी जो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन, और वाई है इनकम। फिर हमने देखा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में वाई का जो लाइन है वो ज़्यादा खड़ा होता है कंपेयर टू सी का लाइन, और जब वाई जीरो हो रहा है तब भी कंजम्पशन हो रहा है ए के बराबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जिस पॉइंट पर वाई और सी इंटरसेक्ट करता है मतलब जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाए उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये तीन पॉइंट देखा हमने और लास्ट में हमने ये एक न्यूमेरिकल देखा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और इंडियन इकोनॉमी का भी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है, आप देखिए। तो इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।